हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं कमेंट्स पॉइंट। कैसे हैं बच्चे लोग सारे? आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इंश्योरेंस सर्विसेज देखने वाले हैं, तो बिल्कुल भी मत करना मिस, शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंश्योरेंस का मीनिंग जानने वाले, इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है जी, इंश्योरेंस का मीनिंग देख लेते हैं। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। इंश्योरेंस क्या है? एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर लीगल प्रोविजन थोड़ा बहुत भी याद होगा तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या चाहिए होता है? एग्रीमेंट चाहिए होता है और वो एग्रीमेंट लीगल होना चाहिए। तो एक ये कॉन्ट्रैक्ट मतलब इंश्योरेंस एक तरह का एग्रीमेंट भी है और वो एग्रीमेंट लीगल भी है, दैट मीन्स ये कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। तो इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि दो पार्टीज के बीच होता है। दो पार्टी कौन कौन सी है? एक है इंश्योरर, RER लास्ट में, कंपनी, दैट मीन्स इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योर्ड मतलब हम लोग जो कि इंश्योरेंस करा रहे हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट है दो पर्सन के बीच, इंश्योर्ड यानी हम और इंश्योरर दैट मीन्स इंश्योरेंस कंपनी के बीच, इन विच इंश्योरर एग्रीज टू मेक गुड द लॉस ऑफ इंश्योर्ड ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। यहां पर क्या हो रहा है, जो इंश्योरर है दैट मीन्स इंश्योरेंस कंपनी है, आपकी सुरक्षा करने का वादा करती है, मतलब आपका प्रोटेक्शन करने का वादा करती है इन कंसिडरेशन ऑफ अ रेगुलर पेमेंट कॉल्ड प्रीमियम। यहां पर क्या है, इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रोटेक्ट करने का या आपके प्रोडक्ट को, आपकी सर्विसेज को, जो भी चीज आपका इंश्योरेंस करवा रहे हो आप, उसको प्रोटेक्ट करने का वादा करती है। बदले में वो एक फीस चार्ज करती है आपसे, उसको हम बोलते हैं प्रीमियम। क्या बोलते हैं? प्रीमियम, राइट। तो इंश्योरेंस क्या, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, दो पार्टीज इन्वॉल्व रहती है, इंश्योरेंस कंपनी आपका इंश्योरेंस करती है, बदले में आप क्या देते हो, उनको प्रीमियम देते हो जी, राइट। दिस एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इज इन राइटिंग, राइटिंग में होता है, सिग्नेचर होते हैं आपके, एंड इज नोन एज इंश्योरेंस पॉलिसी। और जैसे ही आप प्रीमियम पे कर देते हो, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर देते हो, ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी बन जाती है। आप क्या बोलोगे? मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है जी। पूरा क्लियर? तो ये मीनिंग है इंश्योरेंस का। अब देख लेते हैं द ऑल इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, जो कि आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आए हैं, सारे ऊपर से जा चुके हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, राइट। चलिए सबसे पहले है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट मतलब कि भाई पूरे दिल से आपको सारी जानकारी बाहर निकालनी है, जो भी आपके दिल में छुपी हुई है, चाहे वो किसी भी कोने में हो। तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है जी, द इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर, इंश्योर्ड हम, इंश्योरर कंपनी, बहुत बढ़िया जी, मस्ट डिस्क्लोज ऑल द मेटेरियल फैक्ट टू ईच अदर। मेटेरियल फैक्ट मतलब जो भी जानकारी है इंश्योरेंस से रिलेटेड, जिस भी चीज का आप इंश्योरेंस करा रहे हो, वो आपको बतानी है किसको, इंश्योरेंस कंपनी को, एजेंट को, इंश्योरेंस कंपनी का जो एजेंट आएगा आपके घर आपकी पॉलिसी करने, उसको आपको बिंदास होके खुल के सारी चीजें बतानी है। अपनी लाइफ इंश्योरेंस करा रहे हैं तो अपनी, जिस प्रोडक्ट की करा रहे हैं उस प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ बताना है। एंड बोथ द पार्टीज शुड नॉट हाइड एनी फैक्ट रिलेटेड टू इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम ईच अदर। और दोनों पार्टी, अब ये सिर्फ आपके लिए लागू नहीं होता, इंश्योरेंस जो आपका कर रहा है दैट मींस जो एजेंट है इंश्योरेंस कंपनी ने, जिस पर्सन को भेजा है, उसको भी सारी चीजें सब कुछ बतानी है इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। प्रीमियम हर साल हर महीने इतना जाएगा, मैच्योर होने पर दैट मींस डेट जब फिक्स हो जाती है, 2 साल 3 साल के लिए जितने का भी आपका इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो कंप्लीट होने के बाद आपको कितना पैसा मिलेगा, एक्सीडेंटल हेल्थ कवर कितना है, सारी जानकारी आपको देनी है। तो ये दोनों में एप्लीकेबल है, अटमोस्ट गुड फेथ होना जरूरी है, दोनों को सारी चीजें डिस्क्लोज करनी जरूरी है। तो पहला प्रिंसिपल हमारा यही कहता है, दोनों पार्टीज को दिल खोल के इंफॉर्मेशन सामने रखनी है, हाइड कुछ भी नहीं करना है, छुपाना कुछ भी नहीं है। अब बढ़ेंगे सेकंड में, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग इंश्योरेंस का प्रिंसिपल है, द इंश्योर्ड मस्ट बी इंश्योर्ड मतलब हम लोग मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि हमारा दैट मीन्स इंश्योर्ड का इंटरेस्ट होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर पे। दैट मीन्स कि अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं रहा, अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं रहा हमारे सब्जेक्ट मैटर पे, तो इंश्योरेंस पॉलिसी या इंश्योरेंस कंपनी आपकी पॉलिसी नहीं लेगी, आपका इंश्योरेंस नहीं करेगी। तभी यहां क्या बोल रखा है, मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। जिस भी चीज का आप इंश्योरेंस करा रहे हो उस पर आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, अगर उसको कुछ भी लॉस होता है तो आपको दुख होना चाहिए।
दुख कब नहीं होगा, जब आप पड़ोस के लोगों का इंश्योरेंस कराएंगे या उनकी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराएंगे, उनको जल गए कुछ भी हो गया तो आपको क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, द इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। जो भी सब्जेक्ट मैटर, लाइफ इंश्योरेंस मतलब खुद की लाइफ के लिए इंटरेस्ट होना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं है कि आप हर दिन खुदकुशी के ट्राई कर रहे हैं, राइट, या फिर किसी प्रोडक्ट का आप करवा रहे हो तो वो खुद आपका प्रोडक्ट होना चाहिए। बाइक का इंश्योरेंस करा रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप चोरी करके बाइक लाए हो, राइट, नहीं तो आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होगा। कहीं एक्सीडेंट हो भी गया तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, राइट, ये नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये प्रिंसिपल क्या बोल रहा है हमें, द इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, पूरा क्लियर। थर्ड देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। इंश्योरेंस क्या है, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जिसके थ्रू हम प्रॉफिट कमाएं, राइट। यहां पर द पर्पज ऑफ इंश्योरेंस टू ब्रिंग बैक द इंश्योर्ड इन द सेम फाइनेंशियल पोजिशन एज ही वॉज बिफोर लॉस। हो रहा है क्लियर, सब कुछ ऊपर से चले गया। अच्छा, सिंपल सी लैंग्वेज में इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट बोलता है कि भाई ये जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, इससे आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते, ना ही इंश्योरेंस कंपनी आपको कमाने देगी। कैसे, अगर मान के चलिए आपके व्हीकल को, कोई भी व्हीकल अगर आपने इंश्योरेंस करा रखा है, उसको लॉस हो गया, राइट, और मान के चलिए 1,00,000 का लॉस हुआ है, आपने बता दिया कि भाई इतना वो इंस्पेक्शन के लिए आया, पता लगा 1,00,000 का लॉस हुआ है, कंपनसेशन मिल गया आपको 1,00,000, 2,00,000 का व्हीकल था, 1,00,000 का आपको कंपनसेशन मिल गया, कंपनसेशन आपको उतना ही मिलेगा जितने का लॉस हुआ है, राइट। आप 1,00,000 का लॉस हुआ है, 2,00,000 का कंपनसेशन नहीं मांग सकते, राइट, तो यहां से आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते, हो रहा है क्लियर। या फिर ये देखिए, 1,00,000 का कंपनसेशन बना, 1,00,000 का कंपनसेशन बना, तो यहां पर आप ये चीज भी नहीं कर सकते, क्या चीज, कि 1,00,000 का कंपनसेशन मिल गया और आपका जो व्हीकल खराब हो गया था उसके पार्ट्स को आपने बेच दिया और उससे प्रॉफिट कमा लिया, ये भी नहीं हो सकता, राइट। तो यहां पर क्या है, सिंपल सी बात यह है कि इंश्योरेंस जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रॉफिट कमाने का नहीं है। सिंपल सी बात ये ध्यान रखनी है इस पे, जितने का भी लॉस होता है उतना ही पैसा आपको मिलता है, जो एक्चुअल इंश्योरेंस अमाउंट है, मतलब जिस भी व्हीकल का आपने इंश्योरेंस कराया है उतना नहीं मिलता है। व्हीकल या किसी भी प्रोडक्ट की कीमत जितनी है उतना आपको कंपनसेशन नहीं मिलता है। चाहते तो आप उतना ही है कि आपने इतने का इंश्योरेंस करवा रखा है गाड़ी का, आपको लॉस होने पर इतना ही मिले, कि मिलता नहीं, जितने का लॉस होगा उतना पैसा आपको मिलता है, राइट। ये नहीं है कि लॉस 1,000 का हुआ तो आप 5,000 की मांग करेंगे इंश्योरेंस कंपनी के साथ, ये नहीं होता, राइट। तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इंश्योरेंस नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकते आप यहां से, राइट। 10,000 का इंश्योरेंस कराया, 20,000 के इंश्योरेंस कंपनी से आप मांग कर रहे हैं, ये नहीं होता। एम आई मेकिंग सेंस, हो रहा है क्लियर। फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन सब मिलजुल के कंट्रीब्यूट करेंगे। अब इसमें इंश्योरेंस में कैसे एप्लीकेबल होता है, इफ अ पर्सन हैज टेकन मोर देन वन इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर एक पर्सन ने अपने एक ही प्रोडक्ट का एक से ज्यादा लोगों से इंश्योरेंस करवा रखा, एक ही ज्यादा लोगों से मतलब इंश्योरेंस कंपनी से, आपकी कोई व्हीकल है, बहुत महंगी व्हीकल है, कोई प्रोडक्ट है, कोई घर है, कोई भी चीज है, आपने उसी घर का, उसी प्रोडक्ट का, उसी व्हीकल का या कोई भी चीज है उसका इंश्योरेंस करा रखा है 2 इंश्योरेंस कंपनी से, ए और बी से, ए और बी से। अब उस प्रॉपर्टी को लॉस हो गया, कुछ भी मान के चलिए 1,00,000 का लॉस हो गया, तो अब 1,00,000 कंपनसेशन देना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को। क्या कोई एक ही कंपनी देगी या दोनों देंगे, दोनों देंगे, कितना कितना, 50-50, जितने का भी करा रखा होगा उतने का, राइट। हो रहा है क्लियर। तो यहां पर ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर कोई भी सब्जेक्ट मैटर, दैट मींस कोई भी प्रोडक्ट, जिस भी चीज का आपने इंश्योरेंस करवा रखा है उसको लॉस होता है, और वो प्रोडक्ट का आपने 2 कंपनियों से इंश्योरेंस करा रखा है, तो 2 कंपनी आपस में कंट्रीब्यूट कर आपको कंपनसेशन देगी। आप किसी एक ही कंपनी के सर में चढ़ के डांस नहीं कर सकते या उनको फोर्स नहीं कर सकते कि सारा पैसा आपको ही देना है, दोनों कंपनी कंट्रीब्यूट करके पैसा आपको देगी। हो रहा है क्लियर। प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन, व्हेन द इंश्योर्ड इज कंपनसेटेड फॉर द लॉस और डैमेज, जब एक इंश्योर्ड, दैट मींस हम, अगर हमें लॉस हुआ है, जब कंपनी ने हमें पैसा पे कर दिया है, द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ सच प्रॉपर्टी पासेस ऑन टू द इंश्योरर। अब जिस भी चीज का लॉस हुआ था वो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कंपनी के पास चले जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात क्या हुई, अगर आपके व्हीकल को कोई भी डैमेज हुआ है, व्हीकल को कोई भी डैमेज हुआ है, राइट, और वो डैमेज का अमाउंट था 1,00,000 रुपीज और कंपनी ने आपको 1,00,000 रुपीज पे कर दिए हैं, राइट, अब वो व्हीकल कंपनी के पास चला जाएगा, क्योंकि अगर आपके पास रहेगा, मान के चलिए आपके पास ही वो व्हीकल, आपने कंपनसेशन के पैसे ले लिए 1,00,000 रुपए, अब आपकी थोड़ी तिगड़म बुद्धि थी तो आपने क्या करा, उसके जो पार्ट्स थोड़े बहुत ठीक थे उनको बेचकर प्रॉफिट कमा लिया, वो प्रॉफिट आप रख सकते हो या कंपनी के पास जाएगा, कंपनी के पास जाएगा। राइट क्लियर। तो ये सबरोगेशन क्या बोलता है
कि लॉस के बाद जो भी प्रॉपर्टी है, जिसको भी कंपनसेशन दे दिया कंपनी ने, वो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कंपनी के पास चले जाएगी, या उसमें से जो भी प्रॉफिट होता है आपको उस प्रॉपर्टी में से, क्योंकि वो प्रॉपर्टी आप हो गई किसकी, इंश्योरेंस कंपनी की, उस प्रॉपर्टी में से जो भी आपको फायदा होता है वो सारा फायदा इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगा, नहीं तो आप प्रॉफिट कमाने लग जाएंगे किसमें, इंडेमनिटी की तरह। राइट, हो रहा है क्लियर? चलिए आगे देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कॉजल प्रॉक्सिमा, सिंपल सा नाम है, हार्ड है, चलिए आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द कॉज और रीजन फॉर द लॉस मस्ट बी रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, एज सिंपल एज दैट। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जब आप साइन करते हैं, पॉलिसी जब साइन करते हैं, तब कई कई एग्जम्पशन लिखा रहता है कि अगर ये सारी चीजें आपके साथ होती है या आपके गुड्स के साथ होती है तो इंश्योरेंस कंपनी इन इन केसेस में पैसा पे नहीं करेगी, कंपनसेशन पे नहीं करेगी। और वही कॉजेस, वही रीजन आपके व्हीकल, आपके गाड़ी, आपके प्रॉपर्टी के साथ होते हैं तो उस केस में अगर आप जाते भी हैं इंश्योरेंस कंपनी में, तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी जी देखिए ये चीज लिखी गई थी, अगर इन चीजों की वजह से आपकी प्रॉपर्टी को कुछ होता है तो हम पे नहीं करेंगे। उस कैटेगरी में इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा पे नहीं करेगी। राइट, तो मेक श्योर क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से पढ़े, प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, इंश्योरेंस पॉलिसी आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, स्लोगन पढ़ा है, राइट, म्यूचुअल फंड्स के लिए पढ़ा है आपने, राइट। प्रिंसिपल्स ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, ये भी इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंश्योर्ड मस्ट टेक केयर ऑफ हिज प्रॉपर्टी और सब्जेक्ट मैटर इन द सेम वे एज ही कुड टेक केयर विदाउट टेकिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दैट मीन्स मिटिगेशन ऑफ लॉस क्या कहता है, हमें इंश्योर्ड को हर वो कोशिश करनी है लॉस को कम करने की जो हम कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी प्रॉपर्टी को उसी तरीके से ट्रीट करना है जिस तरीके से आप इंश्योरेंस से पहले करते थे। और है क्लियर, कई लोग इंश्योरेंस कराने के बाद बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर हो जाते हैं। राइट, अगर व्हीकल का इंश्योरेंस करा रखा है तो मेन रोड के बीच में खड़ी करके आ जाते हैं, भाई चोरी भी हो जाएगी तो हमें कंपनसेशन मिल जाएगा, कंपनी बोलती है ऐसा नहीं करना है, भाई ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। राइट, और ये चीजें साफ साफ मना है कि आप जरूरत से ज्यादा अपनी चीजों को लाइटली नहीं ले सकते। राइट, मतलब आग लग गई है बुझाने की कोशिश नहीं कर रहे हो आप, भाई पहले से ही हमारा इंश्योरेंस है तो क्या जलने दो घर को, अब घी डाल के आ गए उसमें, ऐसा नहीं करना है। राइट, तो मिटिगेशन ऑफ लॉस बोलता है एक इंश्योर्ड को हर वो कोशिश करनी है लॉस को कम करने की जो वो कर सकता है, क्योंकि अगर इंश्योरेंस नहीं होता तो वो जी जान लगा देता उस लॉस को कम करने के लिए। इंश्योरेंस कराने का ये मतलब नहीं है कि आप रेस्ट एश्योर्ड हो जाओ, आप बहुत ही केयर फ्री बाइक को मतलब पूरे रोडों में चलाते रहो क्योंकि आपका बाइक का इंश्योरेंस है। राइट, आपका थोड़ी है, हो सकता है आपका भी हो, लेकिन मेक श्योर करना है आपको लॉसेस कम करने के लिए पूरी तिगड़म लगानी है, पूरी जान लगानी है, पूरी जी जान लगानी है। चलिए ये हो गया हमारा प्रिंसिपल्स, थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं। इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है, दो पार्टीज के बीच होता है, इंश्योर्ड दैट मींस हम, इंश्योरेंस दैट मींस कंपनी, दोनों के बीच होता है। बीच में क्या एक्सचेंज हो रहा है, प्रीमियम हो रहा है, बीच में प्रीमियम एक्सचेंज नहीं होता तो इंश्योरेंस डोनेशन हो जाता है। डोनेशन में क्या होता है, एक पार्टी को देते हो फिर कुछ रिसीव नहीं होता, इसलिए एक क्वेश्चन भी आता है इंश्योरेंस क्या डोनेशन है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर प्रीमियम इन्वॉल्व रहता है। हो रहा है क्लियर, प्रिंसिपल्स देखिए, अटमोस्ट गुड फेथ, दोनों पार्टीज के बीच सब कुछ क्लियर होना चाहिए, कुछ भी डिस्क्लोज या छुपाना नहीं है, सब चीजें बतानी है, डिस्क्लोज करनी है। सेकंड प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, अपनी चीज में हमको इंटरेस्ट होना चाहिए। वो इंटरेस्ट कब होगा, जब वो हमारे पर्सनल चीज होगी, हमसे जुड़ी चीज होगी और जो हमारे द्वारा लाई गई चीज होगी। अपनी खुद की चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट होता है आपको, राइट, दूसरे पड़ोस की प्रॉपर्टी है उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा। प्रिंसिपल भी या इंश्योरेंस का प्रिंसिपल भी यही बोलता है, खुद की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराओ, खुद की चीज का इंश्योरेंस कराओ, जिससे अगर लॉस होने पर डायरेक्टली आपको ही नुकसान हो, उसी चीज का हम इंश्योरेंस करेंगे। थर्ड है इंडेमनिटी, आप प्रॉफिट नहीं कमाने देगा इंश्योरेंस आपको इंश्योरेंस पॉलिसी से, दैट मींस कंपनसेशन या लॉस जितने का होगा पैसा आपको उतना ही मिलने वाला है, ज्यादा नहीं मिलेगा। देखा हमने प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, एक ही प्रॉपर्टी का दो पार्टीज से अगर इंश्योरेंस करा रखा है तो दोनों पार्टीज मिलजुल कर आपको पैसा देगी। सबरोगेशन देखा, सबरोगेशन में क्या है, जो चीजें मेंशन है जिनकी वजह से आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा, अगर वही चीजों की वजह से आपको लॉस होता है तो कंपनी आपको पैसा नहीं देगी। कॉज अप्रोक्सिमा में था, सबरोगेशन में क्या था, कंपनसेटेड फॉर द लॉस और डैमेज फॉर द प्रॉपर्टी, राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ सच प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है। राइट, तो ये थोड़ा उल्टा नीचा हो गया। कॉज अप्रोक्सिमा में था जो कॉजेस लिखे हुए, अगर उनके उनमें लॉस होता है तो आपको क्या होगा, पैसे नहीं मिलेंगे। उसके अलावा कुछ भी होता है तो आपको पैसे मिल जाते हैं। राइट, सबरोगेशन में हमने देख लिया था, सबरोगेशन में क्या था, भाई शू में ट्रांसफर हो जाएगा। शू में ट्रांसफर मतलब यहां पर क्या था, अगर लॉस होगा ओनरशिप को तो जो प्रॉपर्टी होगी वो ट्रांसफर हो जाएगी किसको, इंश्योरेंस कंपनी को हो जाएगी। दैट मींस आप बेचकर प्रॉफिट नहीं कमा सकते। हो रहा है क्लियर। लास्ट था मिटिगेशन ऑफ लॉस, हर वो कोशिश करनी है आपको जिससे आप लॉस को
कम कर सको। पूरा क्लियर? तो ये था आज का टॉपिक, उम्मीद कर रहा हूं पसंद आया होगा। शेयर करना मत भूलिएगा हर वो फ्रेंड के साथ जिसको ये टॉपिक बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है। राइट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।